भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन परिचय। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की गिनती भारत के महान संगीतकारों में होती है। वह शहनाई के जादूगर माने जाते थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक लाल किले से झंडा फहराने के बाद वहां शहनाई बजाई थी। वहीं भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के उपलक्ष्य में उन्होंने लाल किले से राग काफी की प्रस्तुति दी थी। बिस्मिल्लाह खान को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में पद्मश्री, वर्ष 1961 में पद्म भूषण और वर्ष 1968 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1968 में पद्म भूषण, वर्ष 1980 में पद्म विभूषण और वर्ष 2001 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें वर्ष 1494 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से नवाजा गया था। आइए अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत के विख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के बक्सर जिले में डुमराव गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पैगंबर खान था, जो पेशे से भोजपुर के राजा के दरबारी संगीतकार थे। उनकी माता का नाम मिट्ठन खान था। बिस्मिल्लाह खान के परिवार का संगीत से गहरा रिश्ता था। बताया जाता है कि 6 वर्ष की आयु में वह अपने पिता के साथ बनारस आ गए थे और यहां रहकर उन्होंने अपने चाचा अली बख्श विलायती से शहनाई वादन की कला सीखी थी। बिस्मिल्लाह खान शुरुआत में अपने चाचा के साथ स्टेज शो किया करते थे, लेकिन वर्ष 1937 में उन्होंने कलकत्ता के ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपनी पहली परफॉर्मेंस दी, जिसे बहुत सराहा गया था। इसके बाद वर्ष 1937 में उन्हें ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिला। इसके बाद उनकी ख्याति बढ़ने लगी और वह भारत के साथ साथ विदेशों में भी परफॉर्म करने लगे। बताया जाता है कि एडिनबर्ग म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करने के बाद उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्धि मिली थी। वह अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बांग्लादेश और पश्चिमी अफ्रीकी देशों में अपनी कला की प्रस्तुति दे चुके हैं। 15 अगस्त 1947 को जब पूरा देश स्वतंत्रता का जश्न मना रहा था, उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लाल किले से तिरंगा झंडा फहराने के बाद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई की प्रस्तुति दी थी। फिर 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने लाल किले से राग काफी की प्रस्तुति दी थी। वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू समेत कई बड़े नेताओं के सामने परफॉर्म करने वाले पहले शहनाई वादक थे। क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1997 में भारत सरकार के आमंत्रण पर बिस्मिल्लाह खान ने आजादी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर दूसरी बार लाल किले के दीवान-ए-आम से शहनाई बजाई थी। फिल्मी सफर की बात करें तो बिस्मिल्लाह खान ने अनेक फिल्मों में संगीत दिया है। उन्होंने वर्ष 1927 में आई कन्नड़ फिल्म सन्नादी अपन्ना में संगीत दिया था। यह एक सुपरहिट फिल्म थी जिसमें राजकुमार ने मुख्य भूमिका निभाई थी। दिग्गज फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म जलसाघर में भी उन्होंने संगीत दिया था। फिर वर्ष 1959 में आई गूंज उठी शहनाई में उन्होंने शहनाई बजाई थी। वर्ष 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के तौरार नारायणन द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। आपको बता दें कि संगीतकार एम डॉर एस सुब्बलक्ष्मी और प्रख्यात सितार वादक और संगीतज्ञ पंडित रविशंकर के बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले तीसरे शास्त्रीय संगीतकार थे। इसके साथ ही उन्हें वर्ष 1961 में पद्मश्री, वर्ष 1978 में पद्म भूषण, वर्ष 1980 में पद्म विभूषण और वर्ष 1994 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें तानसेन पुरस्कार दिया गया था। वाराणसी में ली अंतिम सांस बिस्मिल्लाह खान का 21 अगस्त 2006 को कार्डियक अरेस्ट से 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उनके सम्मान में भारतीय डाक विभाग ने
वर्ष 2008 में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।